सी में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी का। तो सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन एडवांस कैलकुलस के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होते हैं जो कि डेफिनेटली आते हैं आपके पास। तो सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि एफ आपके पास कोई भी फंक्शन है, एफ कोई भी फंक्शन है, तो हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलेंगे किसी पॉइंट ए पे ऊपर। कॉन्टिन्यूस कहेंगे किसी भी पॉइंट ए के ऊपर, एट पॉइंट ए, जो कि बिलोंग करेगा इंटरवल से, इफ एंड ओनली इफ। क्या हो अगर मान लो कि आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, अगर वो सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहे हैं, जब आपने उसकी फंक्शनल वैल्यूज कंसिडर की, एफ ऑफ एक्स एन कंसिडर किया, तो वो एफ ऑफ ए पे जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज कर जाए, तब उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ये चीज़ होल्ड करेगी, अगर ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। फिर से समझते हैं, अगर आपके पास सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस एक नंबर ए पे कन्वर्ज कर गया, राइट, तो फंक्शनल वैल्यूज ऑफ सीक्वेंस कंसिडर कर लो, फंक्शनल वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। अगर वो फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए पे कन्वर्ज कर गया, उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उससे इम्पॉर्टेंट है दो स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट आपके पास ये कहती है कि अगर मान लो कि आपने कोई ए कोई रैशनल नंबर है, ए क्या है, कोई रैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली आप एक ए माइनस वन बाय एन और ए प्लस वन बाय एन इस इंटरवल के अंदर आप एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो इफ ए बिलोंग टू क्यू, देन इन दिस इंटरवल वी कैन फाइंड हम क्या कर सकते हैं, हम एक इरेशनल नंबर्स का सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स का सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि किस पे कन्वर्ज करेगी, विच कन्वर्ज टू ए, जो कि ए पे कन्वर्ज करेगी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर ए कोई रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आपको एक इरेशनल नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा सच दैट कि ए एन कन्वर्ज कर जाएगा ए को। सेकंड है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली पैरेलल स्टेटमेंट है कि अगर ए कोई आपके पास इरेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, देन तब हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस वन बाय एन और ए प्लस वन बाय एन इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस छोटी से इंटरवल में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इन शॉर्ट हम एक इरेशनल नंबर्स का सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो, इस इंटरवल में रैशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे, पर जो क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारी नीड होगी, वो नीड ये होगी कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमें एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स चाहिए होगा, ठीक है। रैशनल नंबर्स जो कि कन्वर्ज करेगा, विच कन्वर्ज टू ए, जो कि ए को कन्वर्ज करेगा। इसे विजुलाइज करने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास स्क्वेयर रूट टू एक इरेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। स्क्वेयर रूट टू किससे बिलोंग करते हैं, एक इरेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर्स का, एक सीक्वेंस रैशनल नंबर्स का फाइंड आउट करना है। कंसिडर करते हैं 1, देन 1.4, देन 1.41, देन 1.414, देन 1.4142, देन 1.41425 अप टू सो ऑन। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं और ये सारे रैशनल नंबर्स का सीक्वेंस अल्टीमेटली स्क्वेयर रूट टू को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसकी डेसिमल जो वैल्यूज है वो इंक्रीज करती जा रही हैं, तो वो स्क्वेयर रूट टू की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बराबर आ रहे हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी इरेशनल नंबर पिक कर लो
तो एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेगा आपको जो कि ए पे कन्वर्ज करेगा। सेम लाइंस के ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर पिक कर लो तो एक इंटरवल मिल जाएगी आपको कि उस इंटरवल में इरेशनल नंबर्स का सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करेगा, राइट। अब ये प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। शो करना है आपको कि ये जो फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है कि इसकी वैल्यू वन होगी अगर ये रैशनल नंबर होगा, अगर एक्स इरेशनल होगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। शो करना है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सबसे पहले हम केस वन कंसिडर करेंगे। केस वन में आपके पास क्या होगा कि मान लेते हैं कि ए कोई आपके पास रैशनल नंबर है। क्या है? ए कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा था कि अगर ए रैशनल नंबर है तो आपके पास एक इंटरवल मिलेगी, एक नेबरहुड मिलेगी ए की, कि उस नेबरहुड में आपके पास इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। क्या एग्जिस्ट करेगी? एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी ऑफ ए, दैट इज ए माइनस वन बाय एन और ए प्लस वन बाय एन। ये नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी एंड इट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर। और ये क्या कंटेन करेगी? एक इरेशनल नंबर्स का सीक्वेंस कंटेन करेगी, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। विच कन्वर्ज टू ए मतलब कि ए कोई रैशनल नंबर है तो एक इंटरवल मिल गई आपके पास, एक नेबरहुड मिल गई जिसमें इरेशनल नंबर्स का एक सीक्वेंस जो कि ए पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एन जो है वो सारे के सारे बिलोंग किससे कर रहे हैं? ए माइनस वन बाय एन से लेके ए प्लस वन बाय एन तक बिलोंग कर रहे हैं। और ए एन किससे कन्वर्ज कर रहे हैं? ए एन कन्वर्ज कर रहे हैं ए पे। पर सोचने वाली बात है, एफ ऑफ ए एन की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ए एन क्या चीज है? ए एन आपके पास इरेशनल नंबर है। ए एन क्या चीज है? एक इरेशनल नंबर है। और फंक्शन इरेशनल नंबर पे वैल्यू क्या ले रहा है? जीरो। ए एन इरेशनल नंबर्स है और फंक्शन इरेशनल नंबर्स पे वैल्यू ले रहा है जीरो, जबकि ए रैशनल नंबर था और फंक्शन रैशनल नंबर पे वैल्यू ले रहा है वन। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए एन इक्वल टू जीरो, बट एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी? एफ ऑफ ए वन के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक सीक्वेंस ए एन है, ए एन कन्वर्ज टू ए, ए एन तो ए पे कन्वर्ज करते हैं, बट जो एफ ऑफ ए एन है, एफ ऑफ ए एन, ये डज नॉट कन्वर्ज टू, इट डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये पहला केस आपके पास कंप्लीट हो जाता है कि ए रैशनल नंबर था तो आपके पास एक सीक्वेंस आ गया रैशनल नंबर्स का, उस सीक्वेंस में सारे के सारे इरेशनल नंबर्स से जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहे थे और एफ ओ फे एन की वैल्यू जीरो है बट एफ ओ फे की वैल्यू वन है। केस टू डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी रैशनल नंबर पे आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेट ए आपके पास कोई इरेशनल नंबर है, ए बी यानी इरेशनल नंबर, ए कोई भी इरेशनल नंबर है। अगर ए कोई इरेशनल नंबर है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से है, इरेशनल्स पे जीरो होगा। देन देयर एग्जिस्ट, तब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। सीक्वेंस किसका? सीक्वेंस ए एन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ए एन आपके पास कन्वर्ज करेगा, ए एन कन्वर्ज टू ए, बट अब एफ ओ फे एन की वैल्यू निकालो। एफ ओ फे एन क्या होगा? ए एन रैशनल है
तो रैशनल नंबर पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? रैशनल नंबर पे फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1 के बराबर, तो एफ ओ फे एन की वैल्यू होगी 1, जबकि एफ ओ फे की वैल्यू होगी 0। बिकॉज जो सीक्वेंस ए एन तो कन्वर्ज कर गया ए पे, बट फंक्शनल वैल्यूज आपके पास कन्वर्ज नहीं की एफ ओ फे के ऊपर, क्योंकि फंक्शनल वैल्यूज का आंसर आ रहा था 1 और इसका आंसर आ रहा था 0। देयरफोर जो गिवन फंक्शन है वो ना तो रैशनल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूस हुआ और ना ही इरेशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूस हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये हर रियल नंबर पे डिसकॉन्टिन्यूस है। क्या चीज़ है? हर रियल नंबर पे डिसकॉन्टिन्यूस है। इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार सुनने से, एक बार लिखने से आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। मैथ्स कर रहे हो तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ।